मिश्रोर, स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। महाशिवरात्रि के अवसर पर बहराइच के पांडव कालीन सिद्धनाथ मंदिर में कल सुबह 2 बजे से ही जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक किया। पांडव कालीन मंदिर है, 5-4 वर्ष पुराना मंदिर है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सिद्धनाथ की स्थापना की ऐसा माना जाता है। इस दर्शनार्थ पुण्याम, जहां मात्र दर्शन करने से कामना सिद्ध हो जाए, ऐसी जगह को सिद्धनाथ कहते हैं। विश्वनाथ सिद्ध सहितम सोमेश रक्षा करम कासावर दंडदार पुरुषो रुद्राक्ष माला गलम। और भगवान सिद्धनाथ तो ऐसे हैं, आज ही के दिन भगवती आदि शक्ति जगदम्बा राज राजेश्वरी पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ में शिवरात्रि के दिन भगवान के सामने पानी ग्रहण हुआ। ये महाशिवरात्रि है। मैं यहाँ से 75 इमरजेंसी में 10 मई को आई थी, और तब से जिस दिन आई 10 मई को बहराइच में कदम रखा, हमारे श्रीमान जी ने आए और मंदिर में आकर उन्होंने चौकट देखा, क्यों 10 बज गया था रात्रि का और मंदिर बंद हो गया, मगर लोगों ने बताया कि बाबा जी बड़ी महिमा है। यह सुनकर हम लोग आए, क्योंकि हम लोग पहले से भक्त हैं, आज ही हैं, और तब से लगातार मैं बाबा के दरबार से आती रही। यहाँ 25 साल से मंदिर पे बराबर आ रहे हैं कंटिन्यू, और जो भी यहाँ हम लोगों ने भगवान महादेव जी से मांगा वो हम लोगों की मन्नत पूरी होती है, और जब भी यहाँ कोई मनौती मानी जाती है वो मनौती पूरी होती है, और ये एक सिद्ध स्थान है बहराइच का। सिद्धनाथ मंदिर के बारे में जितना भी बातें बताई जाए उतनी बातें कम होती हैं, और हमें यहाँ के महान श्री रवि जी महाराज जी ने हमें बताया कि पांडव कालीन मंदिर है और इसकी स्थापना भगवान युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। आप इसके महत्व के बारे में भी आपको हमको महाराज जी ने बताया, इसका क्या महत्व है, हम अपने 11 वर्षों से दिखाने का प्रयास करेंगे। भगवान सिद्धनाथ का सीधे आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान सिद्धनाथ यहाँ पर स्थापित हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं वो पूरी करते हैं। जो भी यहाँ पर दफाती आता है अपनी मनोकामना को लेकर, उसकी मनोकामना सारी पूरी होती है। रवि जी महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान शिव और पार्वती की शादी के बारे में बताया, और भगवान सिद्धनाथ मंदिर के बारे में बताया कि महाशिवरात्रि से दिन इस पर्व का कितना महत्व है। आप इसी बात को उल्लेख कर सकते हैं, बात करते करते हमारे एक रोंगटे खड़े हो चुके हैं, और महादेव जी के आशीर्वाद और सिद्धनाथ बाबा के आशीर्वाद से यहाँ की सभी लोगों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं रात के करीब 9 बजने वाले हैं, और यहाँ पर लगातार भक्तों का आगमन जारी है। प्रातःकालीन 3 बजे से लेकर ही यहाँ पर भक्तों के द्वार खोल दिए जाते हैं, और ये पांडुकालीन मंदिर है नेपाल और इंडो नेपाल बॉर्डर का जिला बहराइच है, जहाँ पर यह तलहटी में स्थापित है भगवान सिद्धनाथ, और सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ अनिल दिवस। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।